नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक की वरिष्ठ लेखिका श्रीमती भगवती सक्सेना गौर जी की कहानी, जिसका शीर्षक है मन के रिश्ते। सजग अपने ऑफिस में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था, तभी मोबाइल में मैसेज आया, अरुणिमा माँ एक्सपायर्ड। तो वो अचानक बोल पड़ा, ओ माय गॉड। और अब उसने तुरंत चेक करके लखनऊ की फ्लाइट बुक कराई और वो निकल पड़ा लखनऊ। फ्लाइट में बैठते ही विचार भी उसके साथ 40 वर्ष पीछे अतीत में उड़ चले। अपनी कक्षा में बैठा 10 वर्षीय सजग किताब खोल ही रहा था कि लंच की घंटी बजी और उसने देखा सब छात्र जल्दी जल्दी अपना टिफिन बॉक्स निकालने लगे। सभी दोस्तों के चेहरे की खुशी देखकर ही वो प्रसन्न हो गया, पर जैसे ही उसे अपने डिब्बे की याद आई तो वो परेशान सा हो गया। फिर से सूखी प्लेट खानी पड़ेगी। हर दोस्त के डिब्बे खुल चुके थे, पराठा सब्जी और कई तरह के व्यंजन की खुशबू उसको ललचा रही थी। ये खुशबू उसको अपनी मम्मी की याद दिला रही थी। आंखों में आंसू भरकर किसी तरह वो सूखी ब्रेड काटने लगा। डर भी लग रहा था, अगर ना खाया तो नई मम्मी बहुत डांटेंगी, पापा से उसकी शिकायत भी करेंगी, देखिए ये खाना नष्ट करता है, तो उसे फिर से मार पड़ेगी। तभी दूसरी घंटी बजी और हिंदी की टीचर ने आकर कहा, बच्चों आज शिक्षक दिवस है तो आप लोग सिर्फ एक पन्ने पर जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है उसे पत्र लिखो। सजग के दिमाग में तो अभी तक मम्मी ही विचरण कर रही थी, इसलिए वो अपनी मम्मी को ही पत्र लिखने लगा। मेरी प्यारी मम्मी, तुम अचानक कहाँ चली गई? हमेशा कहती थी तू मेरा राजा बेटा है, पहले कहीं भी जाती थी तो जल्दी आ जाती थी। पापा पहले मुझसे बात करते थे पर अब नहीं। मम्मी आप भगवान के घर में हो, किसी दूसरे के घर इतने दिन नहीं रहते, आ जाओ ना। जानती हो घर में पापा दूसरी मम्मी ले आए हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब पापा भी बहुत रात में आते हैं, उनसे मुलाकात भी कम होती है, तुम तो जानती हो। मुझे रात को बहुत डर लगता था, तुम्हारे पल्लू से सिर ढक कर ही मुझे नींद आती थी, लेकिन अब रात को कई बार उठकर तुम्हारी फोटो लेकर सोता हूँ। तुम जानती हो मम्मी, लंच में आज वही आलू की भुजिया सब्जी की खुशबू फैली थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से तुम गई हो ना मैंने नहीं खाया। एक बात और, एक वर्ष पहले एक छोटी सी प्यारी सी बहन आई है, जब मेरा हाथ पकड़ती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि तुम आई हो, पर नई मम्मी तुरंत उसे ले जाती हैं। मम्मी मेरा ये पत्र मिलते ही आ जाना, अब बस, अब तो मुझे रुलाई आ रही है। तभी टीचर ने कहा, अब मैं ये पत्र कल देखूंगी, आज छुट्टी होने वाली है। ये सुनते ही अपना वाला पत्र का पन्ना फाड़कर सजग टीचर के पास गया और बोला, मैम प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए, ये पत्र एक लिफाफे में डालकर भगवान जी का पता लिख दीजिए, मेरी मम्मी वहीं पर है। टीचर हक्की बक्की हो उस पत्र को पढ़ने लगी, टूटे फूटे शब्दों में भी भावुकता कोट कोट कर भरी थी, जिसे पढ़ते हुए अंतिम लाइन तक वो भी हिचके लेकर रोने लगी। अरे मैम आपकी भी मम्मी कहीं गई है क्या, क्यों रो रही है आप? टीचर अरुणिमा ने उसको लिपटा लिया और बोली, बेटा सुनो, आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझसे बातें किया करो, मैं रोज तुम्हारे लिए लंच बना कर लाऊंगी। वो अरुणिमा माँ, हाँ वो माँ उस दिन से 40 वर्षों तक उस पर अपनी ममता लुटाती रही जो आज उसे अनाथ कर गई। सच ही तो है, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी अनमोल होते हैं। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मधु मिश्रा की आवाज में
भगवती सक्सेना जी की कहानी मन के रिश्ते। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।